शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चाहे ये धरती फट जाए या फिर ये पाताल जमीन पर आ जाए, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वो करके ही रहूंगा। समझ गए ना तुम? बॉस, होल्ड डाउन। चोरी करना महापाप होता है, वो कभी ना कभी तो नरक में ही जाता है। जो चोरी करेगा उसकी आने वाली पीढ़ी भी नरक में ही जाएगी। लोकाई से मैं CID की तरह इनको भी मजा चखा कर ही रहूंगा। 3 समंदर का पानी पिला दूंगा इनको। इतना बड़ा हिम्मत वाला शेर पकड़ा गया और जेल के अंदर आ गया। शेर जंगल में हो या पिंजरे में, शेर शेर होता है। वो राजा होता है और तुम्हें क्या पता एक शेर क्या होता है। ये क्या, तुम एक पुलिस वाले की बीवी होकर इस तरह टीवी पर चोरों वाली मूवी देख रही हो? तो मैं क्या करूं, मुझे इस तरह की मूवी ही अच्छी लगती है। वो सब तो ठीक है सुमित्रा, लेकिन हमारा बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। ऐसे वक्त में अगर तुम ऐसी मूवी देखोगी तो कहीं अभिमन्यु की तरह गर्भ में ही उसने भी ये सब सीख लिया और हमारा ये बच्चा भी चोरी करने लगेगा तो हमारा क्या होगा? जब आप माँ के पेट में थे तो क्या वो पुलिस वालों की मूवीज देखती थी? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे अरमानों से बढ़कर हमारा बेटा होगा। और वैसे भी हमारा बेटा महान बने या ना बने, लेकिन अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्या हुआ सुमित्रा? हाँ, लगता है इसका धरती पर आने का वक्त हो गया है, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। कॉन्ग्रेट्स, आपको बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। वो कौन से वक्त में पैदा हुआ? वो एक्चुअली मेरी घड़ी। हाँ, अरे मेरी चेन। Don, मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम अपने बेटे को ऐसी फिल्में नहीं दिखाओगी। इन फिल्मों में पुलिस वाले भी तो हैं। मगर तुम जो फिल्म देख रही हो उसमें चोरी हीरो है। मतलब मेरा बेटा बड़ा होकर हीरो बनेगा? हे भगवान। देखो बेटा, तुम्हारे पापा को मिला हुआ गोल्ड मेडल सरकार ने एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दिया है। ऐसी फिल्में देखकर चोरों को कैसे पकड़ते हैं वो सीखना तुम। बहुत सारे गोल्ड मेडल मिलेंगे तुम्हें। मेडल बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे गिरफ्तार करने के लिए ही तुम्हें दिया गया है ना? अगर जेल से भागने का मौका मिला था तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आए तुम, मेरे हाथों से मरने के लिए? मैं मौत के मुंह से बचकर निकल आया हूँ, तुम्हारे हाथों मरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए। अरे तू क्या मुझे मारेगा? सुमित्रा, उठो सुमित्रा, सुमित्रा।
क्या चाचा जी, हर रोज एक ही एग, आज लेग नहीं मिलेगा? बेशरम कहीं का, जो मिल रहा है चुपचाप खा ले। तू रोज खाना दे रहा है इसलिए बच गया, वरना तुझे तो मैं कब का मार देता। ये देख तो ऊपर क्या है, मेरा अंडा कहाँ है? अभी तो खाया था तूने। वो बाजू वाले का अंडा था, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे क्या पता। क्या यार, चोरी का अंडा खाने की खुशी इसने थोड़ी देर भी रहने नहीं दी। वो देख सफेद कौवा। अरे रंग बिरंगे कौवे मैंने बहुत सारे देखे हैं। अरे कैसा है यार, अपने आप को सबसे बड़ा चोर समझता हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे निकला। यार ए, इतनी बड़ी बड़ी अंडे जैसी आंखों से क्या देख रहा है? ये आंख नहीं है भाई, वही अंडे हैं। तूने दो दो अंडे कैसे खाए यही सोच रहा हूँ। एक तो नींद नहीं आ रही है इसलिए परेशान हूँ, और बीच में तेरी अंडे की बात कहाँ से आ गई? दो दो अंडे खाने की वजह से शायद इसे नींद नहीं आ रही है। वैसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? अगर हमारे भी माता पिता होते तो हम अपनी मर्जी के मालिक होते, और यहाँ इस तरह मरना नहीं पड़ता। मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा और अपना दुख भी किसी को नहीं बता पा रहा हूँ। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है भाई, तुम्हें जो भी चाहिए उसे भगवान से मांग लो। कौन से भगवान से मांगूं? इस सलीम के पास तो सिर्फ अल्लाह है, और इस डेविड के लिए सिर्फ जीसस है। तो हमारे लिए कौन है? अरे हमारे लिए तो काफी सारे भगवान हैं। सारे नहीं, किसी एक का नाम बताना, ऐसा कोई जिसे जो मांगूं वो मुझे तुरंत दे दे, हमारी सभी रिक्वेस्ट का रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा कोई भगवान है तो बताना। जो तिरुपति के बालाजी हैं वो मोस्ट पावरफुल भगवान हैं, और अपने हॉस्टल के वार्डन भी उन्हीं को मानते हैं। तो हम उसी भगवान को फिक्स कर लेते हैं। ए तिरुपति बालाजी भगवान, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसके आप होते हो ना। मुझे पढ़ाई समझ में ही नहीं आती, ये बात कितनी बार उन लोगों से कही पर लोग मेरी बात समझते ही नहीं। मुझे कैसे भी पढ़ाई बंद करनी है, और आपको ही मेरी मदद करनी होगी। मैं आप पर भरोसा करके उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, और आज स्कूल चला ही जाता हूँ। सॉरी, बुरा तो नहीं लगा ना? जय हिंद। क्या हाल है? थैंक्स थैंक्स। नमस्ते मंत्री जी, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ओके। मेरा नाम कोटेश्वर राव है। तो कोट क्यों नहीं पहना? शायद तुम काफी लेट हो गए। चलो आओ। और बताओ कोटेश्वर राव, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे पढ़ रहे हैं क्या? अरे बाप रे। एक बात बताओ बच्चा, तुम स्कूल जा रहे हो या कुली का काम करने? जो किताब को इस तरह से घसीट कर ले जा रहे हो। और कैसे ले जाया जाता है? इसे कंधे पर लटकाना चाहिए। मैं क्या गधा हूँ जो इतने वजन को कंधे पर उठाऊँ? स्कूल आ गया हूँ वही बड़ी बात है। ये इस तरह से कैसी बात कर रहा है? वैसे तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो बताओ बेटा? एक मिनट है सर। अरे अजय, क्या है भाई, हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सातवीं में पढ़ रहे हैं भाई। ये कहाँ, सीएम के ऑफिस में चला गया क्या? नहीं सर। तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो इसकी थी। सातवीं में हूँ सर मैं। मैंने ये सवाल तुझसे पूछा, तू ये सवाल किसे पूछ के आया? अपने दोस्त से। बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहे हो बच्चों को। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है तुझे नहीं पता है क्या? मुझे कैसे पता होगा, जिसे पढ़ाई पसंद नहीं है सर। बहुत तेज है तुम्हारी तरह ही। तो हमारी क्लास में मंत्री जी आने वाले हैं, वो जो भी सवाल करें बस उसी का जवाब देना। भाई भाई उठो, मंत्री जी आने वाले हैं। ए मंत्री जी आने वाले हैं तो तू क्यों उठा रहा है? वो आएंगे तो खुद ही उठा लेंगे ना। मंत्री जी आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो बैठो, बैठ जाइए। वेरी गुड। अब मुझे सभी बच्चे एक एक करके बताएंगे कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर। वंडरफुल। पुलिस। ओह राम, आईपीएस। ये बताओ तुम पुलिस क्यों बनना चाहते हो? देश में काफी चोर हो गए हैं सर। पीछे कोई बच्चा आराम से सोया हुआ है, उठाओ उसे। सर इसे उठाने से मारता है सर। उठा इसे। भाई मंत्री जी बुला रहे हैं। भाई क्या है सर? अरे बाप रे, ये क्या? तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? चोर बनना चाहता हूँ सर। क्या बनेगा बोला? चोर बनूंगा। सारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं सर। बस वो अकेला ही थोड़ा टेढ़ा है। सारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर। उनका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है सर, वो तो चोर बनना चाहता है। कोटेश्वर राव, मैं भी तो एक चोर ही था पर मंत्री बन गया। गाय ने गोबर दे दिया। कहाँ? मेरे घर में। सिक्योरिटी।
ए लक्ष्मण। जी सर। तुझे कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर? तू सातवीं में फेल हो गया है। सातवीं में फेल होने पर स्कूल बंद करवा देते हैं क्या सर? करवा देते हैं। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना सर, पहली से सातवीं तक क्यों पढ़ता सर, डायरेक्ट सातवीं में आकर फेल हो जाता ना। तेरा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तू तो पास हो गया है ना, तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है फिर? मैं यहाँ रुका रहा तो भी अच्छा आदमी बन जाऊंगा भाई, मुझे भी तुम्हारे जैसा चोर बनना है। तो फिर चल। क्या देख रहे हो? आप जल्दी से टायर फिट कर लो, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। लिफ्ट तो दे दूंगा लेकिन टायर डिक्की में रख दो। ए, क्या ये टायर खरीदोगे क्या? हाँ? अगर अभी टायर खरीदोगे तो कल कार चोरी करके लाऊंगा। खरीदूंगा। इसका नाम नायक है, यह इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। बैंक रॉबरी करने में यह माहिर है। इतना ही नहीं, यह रॉबरी अकेला नहीं करता, लोकल गुंडों के साथ मिलकर करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचने से पहले ही यह उन्हें मार देता है, इसीलिए अभी तक पुलिस वालों को इसका कोई क्लू नहीं मिला है। हैदराबाद में चोरी करते समय यह पकड़ा गया था। जेल से फरार होने के बाद इसने जिस पुलिस वाले ने इसे गिरफ्तार किया था उसे और उसकी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से उनके घर जाकर उनकी हत्या कर दी। पिछले 25 साल से पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी तलाश है। चार बार ऐसा लगा कि यह मिल ही गया पर यह फिर से भाग निकला। आज 25 साल बाद यह फिर से हैदराबाद में अपना कदम रख रहा है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। मतलब यह काफी बड़ा प्लान लेकर यहाँ आ रहा है। इसकी क्रिमिनल लाइफ हैदराबाद में ही शुरू हुई थी और अब हैदराबाद में ही खत्म होगी। सर, सिटी के लोकल चोरों पर नजर रखी जाए तो? नो सर, पुलिस रिकॉर्ड में जो चोर है उनकी मदद से अगर वो चोरी कर रहा होता तो अब तक वो पकड़ा गया होता। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो चोर पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है उनको खोजो और उन पर नजर रखो। मिस्टर राम, इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। अगर वो मिल गया तो नो इंक्वायरी नो रिकवरी, सीधा एनकाउंटर। अगर उनमें से एक भी चोर हमारे हाथ लगा तो हमारा काम हो गया सर। सॉरी भाई। कोई बात नहीं, कांच ही टूटा है ना, आराम से खेलो। अरे भाई कितना अच्छा इंसान है ना। हाँ हाँ। अरे मेरी कार, मेरी कार देखो, मेरी कार लेकर जा रहा है। अरे भाई तो चोर निकला यार। हरी, 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 हरी।
ए, हाँ सर, ये तुम्हारी गाड़ी है? यही मेरी कार है। चेक कर लो, सब ठीक तो है ना? ओके सर। अरे भगवान, ये कैसे हो गया? आपके नंबर के अनुसार ही मैंने रोड नंबर 7 से चोरी की थी, फिर ये कैसे हो गया? ओ, तो कार नंबर भी साथ होना चाहिए क्या? इतने सारे रूल बना दिए, भगवान आपको थोड़ा बदलना होगा। ओ सॉरी भगवान, मैं ही अपना रूल बदल लूंगा। 7 नंबर वाली कार ही चुराऊंगा। किसी और को हाथ लगाया तो तुम चाहे चप्पल से मार लेना, सॉरी आम से मार लेना। कोई जरूरी सामान तो मिस नहीं हुआ ना? सर मेरा चश्मा नहीं दिख रहा है। तेरे चश्मे से पहले कार का शीशा टूट गया, वो देख ले। सर मेरी कार के शीशे से ज्यादा कीमती मेरा चश्मा है। माय हाउस भाई, मारने की वजह जान सकता हूँ? दरवाजा खुलवाने के लिए बेल बजाई, खोलने में देर की, इसलिए तेरे को बजाया। अरे किचन में खाना बना रहा था भाई। दरवाजा खोलने के बाद भी तो बना सकता था ना। दरवाजा खोलकर खाना बनाते समय चोरी हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता है? दारू का है? क्या पियोगे भाई? सारी फॉरेन की है ना, तो एक एक पैक डालकर दे दो, जो पसंद आएगी पूरी पी लूंगा। भाई ये विदेशी दारू है, ज्यादा पी लोगे तो उल्टी हो जाएगी। ये कौन है भाई, किसी को बुलाया क्या तुमने? तुझे पता है ना मैं फालतू लोगों के साथ बैठकर नहीं पीता। ताकि तुम्हें कब ना पड़ जाए। डायलॉग बाकी बहुत हो गए, जाकर दे। ओके। कौन है जो सर झुकाकर खड़ा है? How are you? Who are you? बगल के घर में रहता हूँ। तो रहिए ना, मेरे बाप का क्या जाता है? मेरे को क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ बनाने के लिए बर्तन चाहिए क्या? दारू पीने के लिए कंपनी चाहिए। दारू लेकर आयो? क्लास है। अबे दारू पीने आया है, दारू से नहाने आया है? नहाने के लिए ग्लास यूज करता हूँ और दारू पीने के लिए ये। ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या? हाँ, वो विप्रो में है, मैं एमटेक में हूँ। आप लोगों को शिफ्ट हुए कितने दिन हो गए? 50 डेज हो गए। वैसे आप क्या करते हैं सर? ये सब अभी बात करना जरूरी है क्या? पीते पीते भी तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? चीयर्स। ठीक, क्या दारू है इसमें? तो टेस्टी नहीं है। वो दारू नहीं, सोडा था। लगता है तुम थोड़े टेढ़े हो। वो तो बचपन से हूँ। अब पीजिए। सोडा तो डालो, वो पेट में अंदर जाके मिक्स हो जाएगा। सॉरी यार, मैंने तुझे टेढ़ा कह दिया। क्यों? तू वाकई टेढ़ा है। क्या मजाक है, अपने दोस्त से परिचय नहीं कराओगे? तुम क्या मेरे बचपन के दोस्त हो? मैं ही तुम्हें नहीं जानता तो तुम्हें अपने दोस्त से क्या मिलाऊं? वो पीते समय अपने आजू बाजू नहीं देखता। इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, चलो हम दोनों पीते हैं। हाँ, आपने कहा था कि हम पीते पीते बात करेंगे। हाँ। वैसे आप करते क्या सर? कुछ दिनों पहले ही मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ और अभी फिल्मों में आर्टिस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कैसा आर्टिस्ट? कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए? कैरेक्टर लेस आर्टिस्ट। मतलब विलन? आपकी आंखों में गुस्सा नहीं है, मसल्स में दम नहीं है। विलन क्या बनेंगे, बच्चा भी नहीं डरेगा आपसे। क्यों, क्यों नहीं डरेगा? नहीं डरा सकते, जरा मुझे डरा कर दिखाइए। अरे बाप रे, मैं डर गया, मेरी पेंट गिली हो जाएगी, मैं डर गया। तू क्या डराएगा? अरे खड़े क्यों हो गए आप? खड़ा हो जा, मैं खड़ा रहूंगा, तू बैठेगा? सॉरी सर, गलती हो गई। मेरा शर्ट कहाँ है? इधर है सर। मैंने आपको डराने के लिए कहा था, आप तो मार रहे हैं सर। डर दिल से आता है। ए, डर कहाँ से आता है, दिल से। और मेरा नाम सुनता है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कांप जानी चाहिए। हाँ समझ गया, मैं डर गया सर। ठीक है दिखाता हूँ। ये पीने के बाद इतना अनकंट्रोल हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। आपने आपसे क्यों बोल रहा है? किधर भाग रहा है? भाग कर जाएगा कहाँ? अरे भाई, वो भाग कर जाएगा कहाँ रे? क्या है सर? तूने पिएगा? नहीं, मेरी डोज पूरी हो गई है सर।
अबे पहले कट नहीं बोल सकता था, कब से मुझे मार रहा है? अबे क्या भैंसे की तरह पिए जा रहा है? ए भाई बहुत हो गया, चल। सर ये अभी तक डरा नहीं है, एक्शन। कट बोलने वाला तू कौन होता है? कट डायरेक्टर बोलेगा। ये डायरेक्टर कब बना? फर्स्ट कट बोलते हैं डायरेक्टर बन गया। अरे ये गधा क्या डायरेक्टर बनेगा? तो मेरे डायरेक्टर को गधा बोलता है। देखना लगता है कोई दरवाजे पर आया है। अबे फंस गए। अबे उठ, इस मकान का ऑनर आ गया भाई। लगता है पेपर वाला आया, जाकर दरवाजा खोल। पेपर वाला सोच कर दरवाजा खोला तो कल के पेपर में हमारी फोटो आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ? घर का ऑनर आ गया है। घर का ऑनर आ गया तो तुम लोग कौन हो? चोर है। तुम लोग चोर हो? यस। कल इस घर का ऑनर यहाँ पे नहीं था तो हमने उसके घर पे पार्टी कर ली। अब वो आ रहा है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? अबे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपने डायरेक्टर से पूछ। यहाँ रहोगे तो जेल में जाओगे, हमारे साथ रहोगे तो बाहर रहोगे। मेरे पीछे पीछे आओ। चल। सर नायक ने अब तक जो भी रॉबरी की है उसकी सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में है सर। गुड जॉब गाइज, ये फाइल सिटी के हर एक पुलिस स्टेशन में भेज दीजिए और इस शहर में जितने भी शॉपिंग मॉल्स, बैंक्स, ज्वेलरी शॉप्स हैं उन पर नजर रखिए और हमारे जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं उन सभी को अलर्ट कर दीजिए। आप सब एक बात याद रखिए, हमें उसे भागने का एक भी मौका नहीं देना है। गाइज लेट्स कैच द क्रिमिनल। क्या रहे तू प्रभुदेवा का स्टेप कर रहा है क्या? अबे ऐसे क्या चल रहा है, गिर जाएगा तू। मेरे गाने पे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है यार। अबे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, पुलिस की सायरन है, हमें देख लिया तो हाथ में बोर्ड देकर फोटो खींच लेंगे। चल सो जा यार। अबे पुलिस वाले चले गए, अपन भी चलते हैं। क्या है भैया, हमें लात क्यों मारे जा रहे हो? भाई सिटी में एक नई फिगर आई है, उसे देखने जा रहा हूँ। क्या बोला? सिटी में नई फिगर आई है? भारत देश में पैदा होकर औरत की इज्जत नहीं करता? हाँ तेरी तो। अरे जाने दो, मत मार रहे हो, भागो, पागल है। अरे यार क्या जमाना आ गया यार। हाँ यार लेकिन हम क्या कर सकते हैं। माँ टिफिन तैयार हो गया क्या? कॉलेज के लिए देर हो रही है। तुम लोग क्या देख रहे हो वहां पर? ओ मैं पूछ रहा हूँ क्या देख रहे हो? मैं शंकर पहलवान का भाई हूँ। मैं शंकर पहलवान का सिर्फ भाई ही नहीं, मैं सूरी पहलवान का बेटा भी हूँ। तुम दोनों अभी तक खड़े हो, तुम्हें स्पेशली बताना पड़ेगा। तू आखिर क्या बताएगा कि मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है। अपना राशन कार्ड लेकर आ, हम खुद ही देख लेंगे। ए! ए, लड़की आ गई। ब्लॉक नंबर 7 भाई, कुछ फिक्स हुआ है क्या? थोड़ा फिक्स तो हुआ है। ओहो हो, ओए वो लड़की भी ब्लॉक 7 से ही आ रही है यार। उधर देख बे। मिस्टर 7। ओ हाँ? गाड़ी का नंबर भी 7 है। आ? मिस्टर 7। इधर भी 7 है यार। दोबारा कुछ फिक्स हुआ क्या? अभी तो पहले वाले पे अटका हूँ यार। क्या फैसला किया है तुमने? मुझे पसंद नहीं आया। मैं जो काम करवा रहा हूँ वो? नहीं, तुम जो पैसे दे रहे हो वो। मुझे पैसों की जरूरत तो है लेकिन जिसके बदले दे रहे हो वो काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम किसी ज्वेलरी शॉप को लूटने नहीं बल्कि लूटने जा रहे हैं एक कोऑपरेटिव बैंक। तो कितना चाहिए? मुझे इससे कहीं 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। बैंक में जो रकम है वो भी बहुत बड़ी है। तो मुझे अच्छे लगे। मैंने जो रकम तुमसे मांगी है
अगर वो दोगे तो तुम भी अच्छे लगोगे। मुझे यहाँ से कपड़े दिलाएगा क्या? तो मैं काम दिलाने के लिए लाया हूँ। रुक, यहाँ सब एक पे एक फ्री है। मतलब एक चुराने पर एक फ्री? चुराने पे नहीं, खरीदने पे। अबे हमें खरीदने की आदत ही कुछ नहीं है, आदतें बनानी पड़ती हैं। अब चल। ओके। भाई उधर देखो, फॉरेन फिगर। क्या फॉरेन फिगर? कहाँ है? सेवेंथ फेल है, वो ब्रांड है, ब्रांड। और ये तेरा बैंड बजा। ठीक है। हमारे आर के एस ग्रैंड शॉपिंग मॉल के एक साल पूरे होने की खुशी में हमने जो बम्पर सेल का ऑफर दिया था, उसके विजेता कौन है ये आप सब जानने के लिए उत्सुक होंगे। वो कोई और नहीं बल्कि आप में से ही एक है। जरा वो दिखाइए। अजय, ये मेरे ऊपर कैसे लगेगी? क्या जवाब दे रही है? इधर आ। देखिए कौन सा ब्रांड है। डीजल। ब्रांड का नाम पूछ रहा हूँ तो डीजल और पेट्रोल बता रहा है गधा कहीं का। अबे कपड़े खरीदने आया है या मुझे ठोकने आया है? एक्चुअली ही सेवेंथ फेल, मी पास। हमारे बम्पर ऑफर लकी ड्रॉ विजेता का कूपन नंबर है 7। अबे सुन, 7 नंबर के नाम पे लकी ड्रॉ निकला है। ओए, 7 नंबर सिर्फ तेरा लकी नंबर है? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी और का भी हो सकता है ये लकी नंबर। वाओ, एक खूबसूरत डायमंड रिंग को उससे भी खूबसूरत लड़की ने जीता है। खूबसूरत लड़की, वो भी 7 नंबर वाली। अरे अजय, मैं तो उस पे फिक्स हो गया यार। कैसे फिक्स हो गया? 7 नंबर की वजह से? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बॉक्स में और किसी का 7 नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए अब वो मेरे लिए लव और डार्लिंग है। सही है गुरु, फिर तो एंगेजमेंट के लिए रिंग खरीदने की जरूरत ही नहीं। क्यों? फ्री में मिल गया बे। मुझे तो शर्म आ रही है। तुझे शर्म आ रही है? अबे पागल हो गया क्या है? यह है बेगम बाजार। यहाँ पर हर दिन करोड़ों रुपए हजारों हाथों में आते जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई चोर नहीं होगा जो यहाँ पर चोरी नहीं करेगा। सारी जगहों पर चेक करते रहो। एक मीठा पान देना। वैसे इस एरिया में काफी चोर है ना? ये लीजिए पान और अपने काम से काम रखिए। आप पुलिस वाले हो क्या सर? वो बगल वाली गली में भाई, एक छोटा गोल्फ ले। क्या बे? मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। कौन है बे तू? पुलिस। अरेस्ट वारंट है क्या? नहीं। बिना अरेस्ट वारंट के हमारी गली में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं सर, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो सर, मुझे। पुलिस। शिट। Okay, bye, Vidal.
अबे तू कहां से बीच में आ गया? गुंडों से कंपटीशन कम था कि तू भी बीच में आ गया? अरे भाई मैं आप वाली को लाइन नहीं मार रहा हूँ यार, उसकी बगल वाली है ना। अबे साइकिल से लाइन मारने से लड़की पड़ती है क्या? हाँ तो आप कौन सा बेंज कार में आकर लाइन मारे भाई? वैसे बाजू वाली के लिए साइकिल ही काफी है। कितने दिनों तक तुम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे? तुम्हारे गन से निकली हुई गोली जब किसी के सर को चीर कर निकलेगी तो उसमें जो मजा है वो मजा तुम्हें चाहिए क्या? और उसमें सिर्फ मजा ही नहीं पैसा भी मिलेगा। सुनो लड़की, इसमें क्या लिखा है पढ़कर बता सकती हो? क्यों, तुम्हें पढ़ने नहीं आता? आता है, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है इसलिए तुम पढ़ोगी तो सुनने में अच्छा लगेगा ना। Because it is all I need to make my world complete now. There is nothing else I call for. रुको। ये सब क्या पढ़ रही हो? ये बताओ कि इसमें I love you लिखा है कि नहीं? ये तो ऊपर ही लिखा है ना? हाँ, तब ठीक है। ओहो, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? पापा का बर्थडे है, कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना है। पापा का बर्थडे है तो क्वार्टर या फुल खरीद कर देना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रही हो? खैर यहाँ आ ही गई हैं, तो इनको ये कार्ड यहीं दे देता हूँ, एक काम तो हो जाएगा। भाई आप इस दुकान में क्या कर रहे हो? दुकान की सफाई करने आया हूँ। क्यों क्या भाई, आप भी मजाक कर रहे हो, उसके लिए गिफ्ट खरीदने आए हो ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू कुत्ते की तरह उनके पीछे क्यों घूम रहा है? इतना घूमने के बाद भी वो कहाँ देख रही है? तो ठीक है, ऐसे ही घूमता रहे। मतलब कुत्ते की तरह? ए, देख तो, ये बहुत अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन इसे कुछ और भी अच्छा लेते हैं। भाई वो तो आपको देखकर हंसी। हंसी मतलब प्यार करने लगी है ना? प्यार करती है नहीं ये नहीं पता, लेकिन आप नजर में आ गए, इतना काफी है। ये लीजिए। ये क्या है? बिल है। कितना हुआ? 9,500 रुपए। एक कार्ड के इतने पैसे? नहीं, इस डैमेज का कॉस्ट है। ओ चाचा, क्या हुआ? तू पूछ तो आ गया, वो हाथी कहाँ है? वो क्या चाचा जी, अपने हाथ से निकल गया। क्यों, उसको पुलिस ने पकड़कर अंदर कर दिया क्या? अगर पुलिस ने उसको अंदर कर दिया तो आप भी अंदर चले जाओगे चाचा जी। मतलब वो तुझे पकड़ कर तेरे कान के नीचे बजाएंगे तो मेरा नाम बता देगा? हाँ, इतना वेट करने की जरूरत नहीं, उसके पहले ही बता देंगे। और वैसे भी आपके बारे में क्यों छुपाएंगे, आप हमारे गॉडफादर हो क्या? अरे बाप रे, ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया। टूट गया क्या? इसका मतलब लक्ष्मण आ गया चाचा जी। देखिए, जरा 10,000 रुपए तो देना। कार ले आए क्या? बियर लेकर आया। कार लाने पर जब 10,000 मैं नहीं देता तो बियर लाने पर दूंगा? लाने पर नहीं देंगे तो पीने के बाद तो देंगे। बस बहुत हो गया, यहाँ पर गाड़ी रखो और 10,000 लेकर जाओ। क्या कहा आपको, क्या हम पर भरोसा नहीं है? यहाँ पर सिर्फ बेचा खरीदा जाता है, भरोसा नहीं होता। साला चोरी का कार बेचते बेचते ईमान भी बेच दिया। क्या बुदा रहा है, जरूरत तुम लोगों की है, पैसे नहीं चाहिए क्या? गाड़ी कहाँ रख दूँ चाचा जी? इतना बोलने की जरूरत नहीं है, गाड़ी जहाँ पर है वहीं रहने दो। ये लो 10,000। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी कम पैसे में अच्छी गाड़ी मिल गई, एंजॉय कीजिए। गाड़ी अपने लिए मंगवाई है, बाद में किसी गधे को बेच दूंगा। जैसे हमने बेच दिया, अबे चल दे। इसने ऐसा क्यों कहा? Hey, कौन है रे तू, बिना खरीदे ही मेरी गाड़ी पर बैठ गया। अच्छा, तो मेरी गाड़ी तुम मुझे ही बेचोगे? ये तुम्हारी गाड़ी है। ओ लक्ष्मण, मेरी गाड़ी चलाने के लिए लेकर गया था और बोला मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी है। मैंने इस गाड़ी के लिए 10,000 दिए हैं। कहाँ रखा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। नीचे गिर गए होंगे, ढूंढ लेना। hey! क्या हुआ बे? अरे बाप रे, इसकी आंखें देखकर ही डर लगने लगा है। मास्टर जी आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ। तुम पकड़ोगे किसको? मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा। तो ठीक है, पकड़ लो।
नहीं, मैं तुम्हें करोड़पति बनाने आया हूँ। चोरी की हुई गाड़ी में कितने दिनों तक घूमोगे, मुझसे हाथ मिला लोगे तो अपनी खरीदी हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। त्योहार के दिन पीकर सोना चाहिए तो क्या कर रहा है? अपनी डार्लिंग को देखना है यार। क्यों, पीकर भी तो देख सकते थे। त्योहार के दिन लड़कियां बहुत सुंदर दिखती हैं यार। हाँ, क्योंकि त्योहार के दिन ही ना आती हैं। यार अजय, लड़की आ गई है, घुमा घुमा घुमा। अबे यार, त्योहार के दिन मजे करना चाहिए, तो क्या यहाँ लाकर छुपा छुपी खेल रहा है? इसी बात पे रो क्यों रहा है? तू त्योहार मनाना चाहता है ना? हाँ। तो गाड़ी घुमा, अभी त्योहार मनाते हैं। दादे तेरे से नहीं होगा, जा जाना, चल चला से। हाँ। आगे लो, चलो लग गया। देखो कैसे आई लव यू कह के चले गए। असल में वो आइडिया मेरा ही था, ये सब तो मैंने तैयार किया था, वो लोग चला कर चले गए। अब तुम चलो। अरे सुनो तो, ए भाई, यहाँ की दिवाली तो हो गई, बाकी घर चल के मनाते हैं। प्यार ज्यादा हो गया क्या? अबे मेरे लिए भी कोई ढूंढने, मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊंगा। आइडिया भाई, भाई भाई भाई, मेरी बड़ी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में। मेरी बात तो सुनिए। अपने पास गाड़ी है तो उसकी क्यों मांग रहा है? अबे ये भी कोई गाड़ी है, अपने स्टेटस के हिसाब से छोटी है बे। क्यों? इस गाड़ी में बैठकर जाएंगे तो लड़की तो नहीं, कुत्ते जरूर पीछे पड़ जाएंगे। क्या बात कर रहा है, ये तो हमारी लकी गाड़ी है यार। कान के नीचे बजाऊंगा ना, बचपन से चोरी कर रहे हैं, सिर्फ यही हमारे पास बची है। जितना हम पीते उससे ज्यादा ये पीती है। ठीक है, तू यही रोक, मैं पैदल जाता हूँ, कार लेकर आता हूँ। सच में? ये मेरी नहीं, लक्ष्मण की गाड़ी है। ये ले, मेरे ऊपर हंस रही है। 32। ये कहाँ मिल गए बे? कार लेने ही गया था, लेकिन रास्ते में ये मिल गई, सोचा ये भी तो फोर व्हीलर है इसलिए ले आया। चल बैठ जा। चलेंगे तो लोग हमें पैसे वाले समझेंगे। चल 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 चल। अबे चलती गाड़ी से कैसे उतरूं बे? ऐसे। अरे बाप रे। शोले का गाना गाकर लाया और सोलो छोड़ दिया मुझे, फिर भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि प्यार में लोग अपने दोस्त को भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब दोस्त की कीमत पता चलती है। हर दोस्त एक दिन जरूरी होता है। क्या भाई, ऐसे धूप में क्यों बैठे हो? बैठा नहीं हूँ, वो मुझे फेंक कर चला गया। कोई बात नहीं, ये दोस्त जो है आपका, हाँ दे। हर दोस्त जरूरी जो होता है। लवर के पीछे क्यों पड़ा है? आपकी लवर कैसे हो गई? उसने कहा क्या? जिस लड़की पर मेरी नजर पड़ जाती है तो कोई और उसे देखता है तो मैं उसे काट डालता हूँ। अरे रुको रुको रुको, कूल कूल कूल, झगड़ा मत करो भाई। मुझ पर हाथ उठाया, आज तो तू गया, तो यही रुक। लगता है कोई झगड़ा हुआ।
क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है। बेसुरा साला, अब क्या करना है बोल? वो अपने आदमियों को लेने गया है यार। तू भी जा अपने आदमियों को लेकर। चल निकल। ठीक है। ए, उसी तरफ गया है। हाँ ठीक है, मैं उस तरफ जाता हूँ। अबे अबे, अरे तू यही है क्या? यही है अपना बैच। इन जेब कतरों को लेकर क्यों आया? क्या बात करता है, जेब कतरा हूँ तो जेब कतरों को लेकर आऊंगा, पुलिस वालों को लेकर थोड़े आऊंगा। बोलो भाई, किसकी जेब काटनी है, किसका मोबाइल छीनना है? तो बोलो भाई, किसको लूटना है? अबे किसी को लूटना नहीं है, जो आ रहा है उन्हें पीटना है। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, तुम्हें उन लोगों को मारना है। ओके ओके। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अबे जेब कतरा, अबे ब्लैक टिकट्स, कहाँ चले गए? लगता सब चले गए। ए तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या बोल रहा है भाई? जीना मरना खाना पीना सब तेरे साथ बचपन में ही फिक्स हो गया था यार। सब फिक्स हो गया, पीछे नहीं हटना है। ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही। अपन इनको मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस वालों के हवाले करेंगे भाई। कुछ भी हो जाए, आज आर पार की लड़ाई हो कर रहेगी भाई। भाई यही वो लड़का है, तू जानता है मैं कौन हूँ? तूने मेरे भाई को मारा। भाई आपको मैटर पता नहीं है, क्या बताएगा रे? अबे जानता नहीं मेरे को तू? अरे लड़की आगे हाथ उठाया, क्यों मार रहे हो तुम लोग इसे? क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर वो मेरे पीछे पड़ा है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मैं तुमसे नहीं, इससे प्यार करती हूँ। आप तुम जरा साइड में हो जाओ। क्या कर रहा रे? मेरे ही सामने मेरे भाई को मारता है। मेरी लवर के पीछे आए तो तेरे भाई को क्या, तुझे भी मार दूंगा। याद रखना, दुनिया में चाहे कोई भी गलती कर लेना, लेकिन मर्द के सामने उसकी लवर को मत छेड़ना। पीछे हटो। तूने तो कहा था कि ये तेरी लवर है। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर अपना एरिया ना हो तो भी हम लोग झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की गर्लफ्रेंड के लिए हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते। इज्जत का फालूदा बनाता है। मेरी इज्जत है कि नहीं? अरे कल तेरी सगाई है और तुझे लवर चाहिए। ए भाई, परसों इसकी शादी भी है, तुम जरूर आना। अब चल, मुंह क्या देखता है, चल यहाँ से। अबे वो अकेली जा रही, लिफ्ट तो दे दे। तू भी तो साथ चल सकता है। हो गया क्या? जाना जा। क्या हुआ, रुक क्यों गया तू? अबे रुक क्यों गया तू? वो गुस्से में देख रही है यार। अबे गुस्से से नहीं देखेगी तो क्या आकर किस दे देगी तुझे? चार लोगों के सामने लड़कियां ऐसे ही पेश आती हैं। हम लोग चार कहाँ है यार, हम लोग तो दो ही हैं। लड़की तो पटती नहीं, बातें बनाता है बस। जा। ये क्या हुआ जी, कल सबके सामने कहा कि आपको पसंद हो तो आज गुस्से में क्यों देख रही हो? क्योंकि हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि शुभ काम से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। अभी तुम कौन सा शुभ काम करने वाले हो? आज मैं आपको घर छोड़ने वाला हूँ ना। लगता है टीवी के एड बहुत देखते हो तुम। देखता तो मैं सिनेमा हूँ, लेकिन बीच बीच में एड भी तो आते हैं। कैसे ड्रॉप करोगे? बस से ना? नहीं, गाड़ी में छोड़ूंगा। तो गाड़ी कहाँ है? एक मिनट। अबे आ जा। आ गया मैं। काम हो गया क्या? ओके। नमस्ते जी। ए रुक रुक रुक, रुक। आ जा रहा है? बस बहुत हो गया, चल निकल। मैं जानता हूँ तेरे को, तू ऐसे ही पॉलिटिक्स करता है। चल निकल निकल। इसे मेरी नजर लग जाए, स्टार्ट ही नहीं होगी। थू थू मार ले के, स्टार्ट नहीं होगी, नजर लग गई। ये क्या है, गाड़ी है? पता है खटारा है, लेकिन मुझे इससे बहुत लगाव है। और इतना लगाव क्यों है? इस गाड़ी से कई बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आज तक मुझे खरोंच तक नहीं आई। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आपने गुंडों के सामने आई लव यू कहा, तभी मैंने इसकी सर्विसिंग करवा ली। अब एकदम चकाचक। तो फिर मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। आप भले ही नहीं बैठना चाहते, लेकिन आपका मन बैठना चाहता है। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाने बिना ही मुझसे प्यार करने लगे हो? प्यार दिल से होता है, रिश्ता दिल से होता है। मैंने प्यार भी कर लिया और रिश्ता भी बना लिया, लेकिन पुकारने के लिए नाम तो चाहिए ना, बताइए।
मेरा नाम है नक्षत्रा। ओ, तब तो रात में आप और भी खूबसूरत दिखती होंगी। हमारी बेटी से प्यार करते हैं। आपकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है सर। हाँ पापा। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी किसी से भी प्यार कर ले ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अनाथ हूँ जी। अनाथ होना कोई पाप नहीं है, लेकिन जीने के लिए क्या करते हो? जी वो मेरे घर का होने वाला दामाद करोड़पति हो ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। बस मेरी बेटी को फूल की तरह संभाल कर रखे यही चाहता हूँ। बता दूं कि मैं चोर हूं तो नक्षत्रा जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं देखेगी। तुम काम क्या करते हो ये मुझे बता सकते हो? जो भी है सच बताना। जी वो एक रेस्टोरेंट चलाता हूं मैं। तो ये बोलने के लिए तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम अपने पैरों पर खड़े हो तो फिर किस बात का डर? मेरा रेस्टोरेंट बहुत छोटा है सर। अगर हम किसी भी काम की शुरुआत अच्छी नीयत से करते हैं तो उस काम को बड़ा बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। नक्षत्रा मैं घर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? हां पापा मैं आ रही हूं। चलता हूं बेटा। इसे क्या हुआ? ये आसमान में क्या देख रहा है? हवा में पैलेस बना रहा है चाचा जी। तो उस पैलेस में तू भी भाड़े पर रह ले। चाचा क्या जोक मारा है आपने? तू जोक मारना बंद कर और इसे नीचे बुला, स्टार्ट करते हैं। ओए लक्ष्मण सब कुछ रेडी है, नीचे आ जा। आजा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चाचा जी इस शहर में रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितना बजट होना चाहिए? घर का किराया नहीं दे सकता, रेस्टोरेंट चलाने की बात कर रहा है। तेरी तो बताइए चाचा जी कितना पैसा लगेगा? बस 10 से 15 लाख लगते हैं, लेकिन पैसा देने वाला भी तो होना चाहिए। किसी और को नहीं चाचा जी, आपको चांस देना चाहते हैं। तुम्हें और तुम्हारे चांस को मैं नमस्कार करता हूँ, मुझे ऐसे ही जीने दो। चाचा ऐसा नहीं लेंगे, 10% कमीशन देंगे हम उसमें से आपको। और काम क्या दोगे? मैं काउंटर देख लूंगा, आप साफ सफाई देख लेना। अच्छा हम पैसे भी लगाएं और साफ सफाई भी करें? ऐसा मत कहिए ना, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो जब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं भी कुछ सोचूंगा। तुम जाओ एक बेंज कार लेकर आओ और मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, बेंज कार मैं लेकर आऊंगा। तू बेंज लेकर आने वाला है, उसका रेंज भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। अबे चाचा अगर रिस्क है तो समझो गाड़ी आ गई। बोतल ले पी ले, चल निकल। आ जा रहा हूं बे। रॉबरी के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब इन बैगों में है। कल रात को ही हम लोग रॉबरी करने जा रहे हैं, मगर इस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज? तुम लोगों के साथ इस प्लान में एक शख्स को और जोड़ने जा रहा हूँ। अगर उसके वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो? उसके आने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझको भरोसा है। उसके आने से हमारे ग्रुप की मजबूती और बढ़ेगी, लेकिन तुम लोगों के पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं होगा। क्या भगवान, और कब तक ऐसे चोरी करता रहूंगा? सेंटीमेंट तो है लेकिन सेटलमेंट नहीं है, इसलिए मैं शादी करके लाइफ को सेटल कर देना चाहता हूँ। लेकिन क्या कोई लड़की किसी चोर के साथ शादी कर सकती है? इतने सालों से आपके पास आ रहा हूँ और आप मेरे साथ खेले जा रहे हैं। बस एक बार आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आखिरी बार चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो भगवान।
सॉरी बॉस, मुझे दूर से शूट करना नहीं आता है। मुझे इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा नॉलेज नहीं है। रहने वालों पर मैं भरोसा नहीं करता। बॉस ने मुझे भी मार देने के लिए कहा था ना? तुम्हें नहीं, गाड़ी के ड्राइवर को। आपने जैसा कहा मैंने कर दिया। सामने के बिल्डिंग के टेरेस पर मास्क पहने हुई एक डेड बॉडी मिली है सर। हाँ सर, नीचे पावर हाउस में भी एक मास्क पहना हुआ डेड बॉडी मिला है।
बेशक ये उस नायक का ही काम है। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो बैंक रॉबरी करके भाग गया। किसी भी तरह से हमें उसे पकड़ना होगा। कितने लोगों की मौत हुई? 5 सिक्योरिटी गार्ड्स और 3 चोरों की मौत हुई। कितने पैसों की चोरी हुई है? मैनेजर सर, कितने पैसों की चोरी हुई है? लगभग 16 करोड़ रुपए की। चोरी हुए कितना वक्त हो गया? 2 घंटे हो गए सर। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दो। यस सर। वो इतनी बड़ी रकम किसी गाड़ी में लेकर गया होगा। हर चेक पोस्ट पर इंक्वायरी करो और कैमरा को तैयार रखो। ओके सर। जल्द से जल्द ये सारी बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जितने लोगों की मौत हुई है उन सभी की डिटेल्स मुझे कल सुबह तक चाहिए। कौन है वह जो मेरी कार लेकर गया है? चाचा जी को दूंगा, उनसे पैसे लूंगा और एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये सब क्या है? चाचा पुलिस जीप भी खरीदने लगा क्या? बाप रे, यहां तो पूरा सीन रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्या डाले बेटा? सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं तो सिर्फ एक कार मैकेनिक हूँ, चोरी की गाड़ी नहीं खरीदता हूँ सर। 20 साल से इस फील्ड में हूँ सर। सर सर, आप इनको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि खबर मिली है कि ये चोरी की हुई गाड़ियाँ खरीदता है। आपको पुख्ता खबर है? तो मार दिया होता। सर आप मार क्यों रहे हैं? ये बहुत बड़े आदमी है। अरे बाबा तुम जाओ यहाँ से, अभी तक तो सिर्फ मुँह से बात कर रहे थे, तुम्हारे आने के बाद से हाथों से बात करने लगे। अरे जाओ यहाँ से। बात कर रहा हूँ सर, मार क्यों रहे हो? मार रहा हूँ तो बात क्यों कर रहा है? मार जो रहे हो। तो फिर से बात कर रहा है। इससे कुछ भी बोल रहा हूँ तो मारे जा। चल। सर सर रुकिए सर, कौन सी जेल में ले जा रहे हैं? तिहाड़ जेल में ले जा रहे हैं या सेंट्रल जेल? अरे में मेरे बाप, तू यहाँ रहेगा तो मुझे यही फांसी लग जाएगी। और वैसे भी ये लोग मुझे जेल नहीं ले जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। करेक्ट कहा ना सर? क्या करेक्ट है? कौन से थाने में ले जा रहे हैं सर? इतने सारे सवाल कर रहा है तो इसका लगता क्या है? हाँ सर पूछिए इससे सर। रोज इसी गली से बस पकड़ता हूँ। माँ कसम ये तो। मुसीबत में तो कार बेचने वाले को पढ़ना चाहिए था, और फंस गया बेचारा खरीदने वाला। उसका टाइम खराब यानी मेरा टाइम खराब। अरे बाप रे बाप रे, छोड़ दीजिए सर, मुंह पर नहीं सर। अरे बाप रे, मर जाऊंगा सर। अरे मर गया रे, बहुत मारा सालों ने। हे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चोरी की गाड़ियाँ खरीदूंगा तो और कार आऊंगा। लेकिन उस दिन तो तू ऑनर की तरह साइन मार रहा था। उस दिन वो गाड़ी तो मेरी थी ना, वैसे तो टाटा बिरला की तरह साइन नहीं मारता है क्या? चोरी की कार खरीदने की वजह से ही तुझे यहाँ लाया गया है। ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुझे 4 लाठियां ज्यादा पड़ी। देख भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पहले तू अपनी आँखें छोटी कर, मुझे डर लगता है। क्या रहे तो जेल में भी जेब कट रहा है? ये क्या हो रहा है? जेब कतरों और गाड़ी चोरों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया। सामाजिक निर्णय है। ये किसने लिया रे? ये उनसे पूछो। किससे पूछो? क्या बातें हो रही है? ऐसा ही साहब हैं क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। ओ,
अरे रेडी साहब, आप यहीं पर है क्या? नमस्कार साहब। कौन है बेटो? मेरा मालिक लॉकअप में है साहब, सैलरी मांगी तो यहाँ पर आकर बैठ गया और मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। वहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को ऐसा मारा है कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तेरा ऑनर कौन है जाके ढूंढ ले। चाचा जी, चाचा जी। ओ चाचा जी। अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आ गया? तो चोर यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है? मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो तू है। अच्छा, चोरी की गाड़ी खरीदने वाला भी चोरी होता है। छी, तू उधर देख। आप तो एक ही दिन में मोटे हो गए, लगता है पुलिस ने बहुत मेकअप किया है। आपको ऐसी हालत में देखकर मेरा दुख बेंज कार की तरह बाहर आ रहा है। अपना दुख अपने पास रख, ये बता यहाँ क्यों आया तू? बेंज कार के बदले पैसे देने की बात हुई थी ना, मैं लेकर आ गया, वो बाहर खड़ी और आप अंदर आकर बैठ गए। उसे लाकर यहीं पर रख दे। ठीक है, अरे मेरे बाप, तू यहीं पर बैठ। हाँ, मुझे मेरी कार के पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। अगर ये बात पुलिस वालों को पता चल गई तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता चलेगा। तुझे पता है ना कि हम दोनों कहाँ पर बैठे हैं? पुलिस स्टेशन में। मुंह बंद कर, उनके पास कोई सबूत नहीं है फिर भी इतना मेकअप कर दिया। अगर सबूत मिल गया तो मेकअप हो जाएगा। अरे बाप रे, सोचने पर ही डर लग रहा है। प्लीज तू यहाँ से चला जा मेरे बाप। तो बेंज कार का क्या करूं? धीरे से, धीरे से। तो बेंज कार का क्या करूं? दो दिन तक वेट कर, मैं किसी तरह बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे। मैं तो वेट कर लूंगा, पर कार को गैरेज में रख दूं क्या? हाँ रख। अब फिर तो हमेशा के लिए पुलिस वाले मुझे अपना मेहमान बना लेंगे। मैं तो कोई जुगाड़ जमा लूंगा, आप बाहर आने का जुगाड़ जमाइए। क्या हुआ? तेरे ऑनर ने सैलरी दी क्या? नहीं दिया सर। आप ना उनको बहुत मारिए, हो सके तो एनकाउंटर कर दीजिए। लक्ष्मण, ये क्या, तुम पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो क्या है कि हाँ, मेरे दोस्त ने पुलिस में कार चोरी की कंप्लेंट की थी। पुलिस का फोन आया कि कार मिल गई, उसे आकर ले जाओ। वही लेने के लिए आया हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? घर ही जा रही हो ना? चलो ड्रॉप कर देता हूँ। तुम कहाँ आ रही हो? वहाँ देखो, हाय, कब से पीछा कर रहा है, उसकी साइकिल पे बैठो। भाई थैंक यू भाई, टाइम पास क्या कर रहा है, एंजॉय। प्लीज 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहे हो तुम? चाबी नहीं है ना? बिना चाबी के कार स्टार्ट करना तुम्हें कैसे आता है? वो क्या है कि मेरा दोस्त अजय जो है ना, वो चोर है, उसी से मैंने सीखा है। तो ऐसे लड़के को अपने साथ क्यों रखते हो? वो भी मेरी तरह अनाथ जो है। अच्छा ये बताओ, तुम चोर हो क्या? हाँ, तो तुम्हारे बाजू वाला बहुत बड़ा कलेक्टर है क्या? वो मुझसे भी बड़ा चोर है। इसने तो मुझे भी फंसा दिया। अब आएगा मजा। क्या? वही है, उसने आपसे प्यार जो किया, उसने आपका दिल जो चुरा लिया, इसीलिए चोर है वो, इसीलिए मैंने उसे चोर कहा। तुम तो अनाथ हो ना, तो फिर तुम्हारा नाम लक्ष्मण किसने रखा? हमारे वार्डन ने रखा था। लेकिन लक्ष्मण ही क्यों रखा? क्योंकि मुझसे पहले वहाँ राम रहता था। अच्छा तो ये बात है, अगर मैं तेरी जगह होता तो मेरा नाम लक्ष्मण होता, क्यों? तो तुम्हारे वार्डन का नाम दशरथ था क्या? अरे नहीं नहीं, वो बड़ा कमीना था इसकी तरह। सोना जाए, मैं नक्षत्रा को घर पे छोड़ने जा रहा हूँ। अरे पहली बार ससुराल जा रहा है, अपने ससुर के लिए नारियल तो ले ले, डिक्की में रखवा देता हूँ। अरे छोड़ना यार। अरे क्या हाथ हिलाता हो जाएगा। ए, सुनना, नारियल के पैसे कौन देगा? तू दे देना। ए भाई नारियल कैंसिल, जा तू ऐसे, जा जा। बाय बाय। कितने का एक नारियल? 10 रुपए का। बाप रे, दाम बहुत बढ़ गया। ये ले। और उन लोगों का पैसा? पिया उन लोगों ने, पैसे मैं दूँ। अरे भाई टेंशन मत लो, सारे पैसे मैं ही दे दूंगा। चाकू दिखाने की क्या जरूरत है, प्रॉब्लम बैक पर सेटल कर लेंगे। मुझसे प्यार करो ना प्लीज। चल हट। मुझसे प्यार करोगी या नहीं बोलो? मेरा पीछा मत कर, निकल यहाँ से। तुझे प्यार करना होगा। क्यों रे, मुझे धमका रहा है? निकल यहाँ से। प्यार करने को बोल रहा हूँ तो नाटक कर रही है? ये क्या एसिड डालने वाला है इस पे? अरे ये क्या कर दिया इसने? अरे 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 देवदास के छोटे भाई, ये क्या कर दिया तुमने? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी तुरंत चाहिए। मेरे पास गाड़ी का ट्रैवल कंपनी के बाप, वो गाड़ी नहीं, यही गाड़ी चाहिए। भाई भाई घबरा मत, मैं बचा लूंगा तुमको। चलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चलो, जल्दी कर, जल्दी चल।
क्या लड़की हो, हाँ कह देती तो क्या हो जाता तुम्हारा। अब देखो कैसे एसिड पीकर मर रही है, तुम लोगों की वजह से मार्केट में एसिड महंगा हो गया है। अबे लेट आ रहा लेदास का नाना, तुझे क्या जरूरत है सब करने की, पागल कहीं का? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा ये भाई तुझे बचा लेगा। अरे तू टीवी पर ऐड नहीं देखता है क्या, रणवीर कपूर पेप्सी पीता है, सलमान खान थम्स अप पीता है, शर्मन जोशी सेवन अप पीता है, और तूने अपने प्यार के लिए एसिड पी लिया। बोल सच में प्यार बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई, तभी तो मैं एसिड पीकर भी जिंदा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये एसिड नहीं साबुन का पानी था। साबुन का पानी था या? अबे मजनू तुझे हॉस्पिटल लेकर जाता, तेरे हजारों टेस्ट होते, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाते बे। ऐसी लड़की के लिए कोई एसिड पिएगा क्या? तो अक्लमंद मैं और होशियार आप। मतलब तेरा प्लान क्या है? प्लान मेरा बोल। देखो तुम अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो तो इस साबुन के पानी से मुंह धो और अपने घर चले जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैंक रोबरी में जिन लोगों की मौत हुई थी उसमें से एक का डिटेल मिल गया है सर। बैंक के मेन गेट के सामने जिसकी मौत हुई थी वो है अलियास श्रीनिवास, उसका एक बड़ा भाई भी है सर, नाम है अलियास मोहन, यही है वो। इसका छोटा भाई लॉकर ओपन करने में स्पेशलिस्ट था और ये कार चोरी करने में स्पेशलिस्ट है। इन लोगों ने कई कारें चोरी की हैं सर, लेकिन इनका कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, एक छोटा कंप्लेन भी नहीं है। तो इस वक्त ये कहाँ होगा? पता नहीं सर, हमारे आदमी उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं सर। कितनी मेहनत से कार चोरी करता हूँ लेकिन 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए अब से हम छोटी कारें नहीं खरीदेंगे, महंगी कारें खरीदेंगे ताकि एक कार के पीछे हमें 10,00,000 मिल सके। कौन है बिदू? मेरी गाड़ी जिसने चुराई है वो कहाँ पर है? चोरी की गाड़ी हम अपने घर के सामने नहीं रखते, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग करके बेच देते हैं। तुम्हारी गाड़ी कौन सी थी? बेंज कार, AP9, AK7। एए, बेंज कार की बात कर रहा है? अभी अभी हमने ऐसी गाड़ी चुराने का डिसीजन लिया है और तुम अपने बेंज गाड़ी के बारे में पूछने भी चले आए, हम कहाँ से ला कर देंगे? एए, मेरी गाड़ी तुम लोगों ने ही चोरी की है, मुझे पता है। तेरी गाड़ी हमने नहीं चुराई, हमारी बात मान और चुपचाप चला जा, नहीं तो यही गाड़ दूंगा। अगर मुझे परेशान किए बिना मेरी गाड़ी मुझे लौटा दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा? हाँ क्या कर लेगा? एए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चुपचाप मुझे बताएगा या मरेगा? भाई मुझे आपकी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता भाई, सच में कुछ नहीं पता मुझे, सॉरी भाई। राजेश कॉल द एम्बुलेंस। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, वो आदमी कौन था? वो अपने बेंज कार के बारे में पूछ रहा था। वो दिखने में कैसा था? वो गोरा और लंबा था सर, उसके बाल लंबे थे और आंखों पर उसने चश्मा लग। ए, ए, ए!
इसने उस आदमी को जो हुलिया बताया है उससे साफ पता चलता है कि वो नायक ही था। बैंक रॉबरी करके अभी वो इस शहर से बाहर नहीं गया है, पैसों के साथ इसी शहर में घूम रहा है। वो अपनी बेंस कार के लिए सभी कार चोरों को मार रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे उस बेंस कार में ही होंगे। उस नायक की गाड़ी जरूर किसी ने चुराई है। नायक उसको पकड़े इससे पहले हमें ही उसे पकड़ना होगा। शहर में जितनी भी बेंस कार हैं उन सभी पर नजर रखो। जब से ये बेंस कार चुराई है जिंदगी इस बस स्टैंड की तरह हो गई है। चाचा जी पैसे देने वाले थे तो उनको पुलिस ने पकड़ के मार डाला। अबे उस चाचा पर भरोसा करने से पहले एक मौका मुझे तो देता यार, जिसके यहाँ से कार चुरा कर लाया उसी को चिपका देता मैं। अरे अजय ये बेंस कार है यार, लकी नंबर के कार चुराने के बाद भी कोई काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? अगर मेरा नसीब बदल गया तो मेरा क्या होगा? अजय होगा क्या, बस स्टॉप पे रहेगा, पूरी बोतल खत्म कर दी आप सो जाते हैं, सुबह उठ के सोचेंगे। पूरी बोतल मतलब सारे दारू खत्म? अबे दारू पिएगा तो दारू ही खत्म होगी ना कि कुछ और खत्म होगे? अबे नालायक, मुझे 3 पैक देखकर बाकी सारे तू पिएगी? तू खुद 8 पैक पीकर मेरी इंसल्ट कर रहा है। अगर तू ऐसी बात करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तेरी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ बे, इल्जाम लगा रहा हूँ। अबे कभी ने मैंने 3 पिया तूने 8 पिया है, अगर यकीन ना हो तो कहीं चल के चेक करा लेते हैं। कहीं चल के चेक करवाते हैं। चल चल लक्ष्मण, चल। स्टॉप प्लीज, चेक करो इसमें फूकिए। नो सर। जाने दो। जाओ। आज अगर कोई मुझे शराब पीकर गाड़ी चलाते मिल गया तो उसकी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी में दोबारा कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को तो हम रोक सकते हैं सर, लेकिन शराब पीने वाले को नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो और बस देखते रहो कि आज मैं क्या करता हूँ। अरे कुछ लोग तो गाड़ी को भी शराब पिला देते हैं। अरे रुको से। रुक रुक, साइड में साइड में। ये क्या, ये तो लेट गया? लेटा नहीं है सर, सो गया। इसे इसको उठाइए मत सर, उल्टी कर देगा। हाँ ठीक है, तू सो जा बेटा, सो जा। ए, चल तू फूंक मार। सांस बाहर छोड़ना है तो सांस अंदर ले रहा है। जो पिया है वो अंदर है, इसलिए अंदर ले रहा है। तू तो कॉमेडी भी करता है। ए, चलो इससे 5,000 रूपए फाइन लो। 5,000 रूपए? अगर उतने होते तो मैं होटल में ही रुक जाता। ए, इसके पास एक भी पैसे नहीं है। चलो बाइक रख लो। बाइक क्यों ले रहे हो सर? गुंटूर शहर का नाम सुना है? यहाँ पंच मारूंगा तो वहाँ जाकर गिरेगा। हटाओ इसे। ए, चलो साइड में करो। चलो बकवास करता है, बकवास वो भी हमारे सामने। नमस्ते सर, सर आप गुंटूर के हो ना? मैं गुंटूर से हूँ, ये बात तुम्हें कैसे पता चला? सर आपकी आंखें देखकर पता चलता है सर। ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मशीन से चेक करना चाहता हूँ इसने ज्यादा पिया है या मैंने, और उसके बाद हम चले जाएंगे। सर फ्री में करने की जरूरत नहीं है, हमने शराब पी है इसका फाइन भी भर देंगे। बताना भाई, टेंशन नहीं है। एक्सक्यूज मी, अब क्या हुआ? हम नहीं है सर। तो कौन? पता नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। किसने कितनी पी रखी है ये मापने की मशीन है आपके पास? है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? मेरी बॉडी के लिए जो मैंने पिया है वो काफी है या और 90 ml डाल दू, ये पूछना था सर। ये बताओ कि तुम तीनों हो कौन? सर मैं नेपोलियन हूँ सर। मैं जानू वाकर सर। मैं टीचर हूँ सर। और तुम लोग रहते कहाँ हो? मैं इंजन हाउस में। सर आप मशीन दोगे तो हम उसमें फूंक कर चले जाएंगे। उसके लिए चेक करने की क्या जरूरत है? तेरे हिलने से ही पता चल रहा है तूने कितना पिया है। इसको लेकर जाओ। निकालो, चलो। सर जल्दी से मशीन दीजिए ना, बहुत रात हो गई है, सुबह काम पे भी जाना है। देखो बेटा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को चेक करते हैं, शराब पीकर चलने वाले को नहीं। हम लोग इंसान नहीं है या शराब नहीं पीते? करेक्ट टीचर, आपने सही पूछा। चुप कर वरना पीकर न्यूसेंस करने के जुर्म में तीनों को लॉकअप में डाल दूंगा, समझ गया तुम लोग? ऐसे कैसे अंदर कर देंगे, कितना पिया है जाना होगा। क्या नुकसान होगा, अपन फूंक मार के चले जाएंगे। क्या ओवर? बंद करो इसे, ओवर तुम लोग कर रहे हो और हमें बता रहे हो। हम भी तो शराब पीते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं चेक करने देते हैं? बताओ मुझे। आप इनसे शराब छोड़ने की बात कर रहे हैं और ये आपकी नौकरी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अगर इन्हें मशीन दे देंगे तो ये फूंक मार कर चले जाएंगे। दे दो उनको, दे दो। ये लो दीजिए सर।
आज तक मैं दूसरों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि मैं इतना पीता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज पता चल जाएगा। जब से तुमने मुझे 90 ml पीना है सर बोला है, तब से तुमने एक क्वार्टर खत्म कर दिया है, समझा? मैं इस क्वार्टर के बारे में बात नहीं कर रहा था सर, मैं इस 90 ml के बारे में बात कर रहा था। मशीन तुम्हारे मुँह में रखे या फिर बोतल में रखे, सेम परसेंट ही दिखने वाला है, क्योंकि तुमने इतनी पी रखी है। देख के बताइए ना सर। तुमने तो ज्यादा नहीं, 40% ही पिया। हाँ, मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। देख ले, देख ले। हाँ, बस बस बस, दे इधर, दे इधर, दे। अरे बाप रे, तुमने तो 100% शराब पी ली है। मैंने कहा था ना, तूने ज्यादा पिए। अब रुक ना, मैं भी देखता हूँ। गलत बताती है मशीन, बिल्कुल गलत। गुस्सा आ रहा है, तू शांत हो जा। तू अपने आप को बहादुर समझता है? गुंटूर वाले मारते नहीं है सर। अगर दोबारा तुमने गुंटूर का नाम लिया तो मैं तुम्हें यही पर गाड़ दूंगा। अपन दोबारा गुंटूर वालों से थोड़े मिलने वाले। अरे रुको, चल मुंह खोल। अब यहाँ पे तू सांस ले। लगता है आज हम पकड़े जाएंगे यार। अब ये ट्रैफिक अमलदार है, अगर अपन ने इनको रेड सिग्नल दिखा दिया ना तो ये खुद ही रुक जाएंगे। ओके बाय, सी यू टुमारो। बाय, सी यू। हाय, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। क्यों, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? खाने की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट देखने की बात कर रही हूँ। ओ, उस रेस्टोरेंट की बात कर रही हो। मैं सोच रहा था किसी अच्छे मुहूर्त में तुम्हें वहाँ लेकर चलूँ। तो क्या उस दिन से आज तक एक भी अच्छा मुहूर्त नहीं आया? इस साल कोई अच्छा मुहूर्त नहीं, अगले साल में है। क्या कहा, अगले साल? उसके लिए तो बहुत लंबा टाइम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा समय हमेशा देर से ही आता है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे लेकर चल रहे हो या नहीं? अरे अब मैं क्या करूँ, बचा ले भगवान। हेलो, कब, कैसे, सब ठीक तो है ना? अच्छा मैं अभी आता हूँ, मेरे रूममेट का एक्सीडेंट हो गया, अर्जेंट जाना होगा, गलत मत सोचना। ओके बाय। अरे ये यहाँ नक्षत्रा बहन। अभी लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ऐसा बोला क्या? ओ हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन चोट हाथ में लगी है, पैर में, पता नहीं चल रहा है बहन। तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही जैसे हो, लड़कियों से झूठ बोलकर धोखा देते हो, धोखेबाज कहीं के। अरे सुनो तो, तुम लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा है? तुम दोनों मिलकर लड़कियों को धोखा देते हो। तुमने जो कार चुराई है मैं उसका ऑनर हूँ। कौन सी कार? चुपचाप मुझे बताएगा या फिर मरेगा। मेरे घर पे आके मुझे ही धमका रहा है, चल निकल यहाँ से। भाई मुझे नहीं पता, मुझे उस कार के बारे में कुछ नहीं पता। तू जानता है उस कार की करोड़ों रुपए की कीमत है, तू साफ साफ मुझे बताता क्यों नहीं? ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं पर होगा। सर्च। आई एक चाय लाओ। ए चाचा, मेरे लिए एक चाय। छोड़ो, वन कप टी।
Hey! Sorry, boss. मार दूंगा बे। क्या इंजन स्टार्ट करो तो बच्चे के रोने की आवाज लगता है जापान ने इंजन में ये सिस्टम डाल दिया है। अरे ये रोने की आवाज नहीं है वाकई बच्चे। ए तू यहाँ क्या कर रहा है बे? ओ ये तेरी गाड़ी है। मम्मी चाहिए पापा चाहिए तो क्या चाहिए? अच्छा कार चाहिए लेकिन ये तो मुझे भी चाहिए यार। चुप हो जाना। चल आजा दोस्त शिकार पर चलते हैं। अरे अब तो रोना बंद कर यार रोना बंद कर। अरे मत रो बेटा जो गुड बॉय होते हैं ना वो रोते नहीं हैं। ये लड़के तू मेरे बच्चे को चुरा कर कार ले जा रहा है। मैं चुराने वाला नहीं हूँ कार चुराने आया था। तू यहाँ बैठ बेटा चुप रहना तेरे साथ खेलने बैठूंगा तो पुलिस मेरे साथ खेलेगी। बाय बेटा बाय। सेंटिमेंटल पूल Yeah.
ए, कौन है मैं तू? मारना चाहता है क्या? अरे बाप रे, ये है क्या? भाई गाड़ी चाहिए तो बोलना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी कार चुराई। चुरा कर लाया हूँ भाई, पर बेचा तो नहीं ना। आप अपनी कार ले लो। मैं तुझे इस दिन गाला ही छोड़ूंगा। तेरी इतनी औकात, तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया। Oh!
माफ करना भाई, मेरी गलती नहीं है। मारने से ज्यादा मुझे भागना अच्छा लगता है। साला, सब तेरी वजह से। थोड़ी देर और रुकता तो मर ही गया होता। हे भगवान, ये सब क्या है? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? आपको पता नहीं है, मैंने अब चोरी करना बंद कर दिया है। आपको ही मेरी लाइफ क्लोज करनी होगी, सॉरी सेटल करनी होगी। ओके ना? मेरी हालत देख के तो एम्बुलेंस भी नहीं रोकेगी, ऑटो वाला कैसे रोकता? स्टॉप प्लीज, रुक जाइए। स्टॉप प्लीज, स्टॉप प्लीज। लगता है यहाँ कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी। तक किसी से जाता हूं, वहां से बस मिल जाएगी। जी हेलो, कहाँ है रे तू? यही बस शहर से थोड़ा सा बाहर। बेंज कार का क्या किया? जस्ट अभी उसको रोड पे छोड़ा है। जस्ट मुझे भी पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। पार्टी तैयार है, तू बेंज कार लेकर आ और पैसे लेकर जा। कार की बैग बुरी तरह डैमेज हो गई है, किसी काम की नहीं रही। कोई बात नहीं, वो बेंज है, उसका रेंज भी कम नहीं होने वाला। कम से कम तुझे 7 लाख मिल जाएंगे। 7 लाख में क्या रेस्टोरेंट खुल सकता है? हाँ खुल सकता है, तू कार लेकर तो आ। एक 7 अप भगवान, 7 लाख मांगे थे, तूने छप्पर फाड़ के दे दिया। हाय अंकल। हाय। हाय। तुमने तो कहा था छोटा सा है, ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। कुछ नहीं, बस थोड़ा नसीब खुल गया। प्लीज कैरी ऑन। ओ ऐसे क्या, तू ही खेल ले। अरे लक्ष्मण, रेस्टोरेंट तो 50 लाख रुपए में हो गया, अब बाकी का क्या करें? तुम्हें कुछ चाहिए तो खरीद लो। मुझे क्या जरूरत है, तू है ना मेरे साथ। एक काम करो। हाँ? अपने जैसा एक अनाथ बच्चा पैदा करने का जुगाड़ कर लो। क्या आइडिया है गुरु, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण कैसा है रे तू? आप कौन है सर? आपने लक्ष्मण को रे बोला? तुम लोगों के साथ मैंने भी पढ़ाई की थी। चल झूठे कहीं के, ये सातवीं फेल है। वो मुझे पता है, मैं तो आपको नहीं पहचानता। हाँ। सर पुलिस राम आईपीएस, देश में काफी चोर हो गए सर। अरे राम भाई, अजय रुक आता हूँ। अरे कितना समय हो गया तुझसे मिले, मुझे पहचाना नहीं क्या? तू आईपीएस बनना चाहता था, बन गया क्या? बन गया यार। वेरी गुड, तूने जो चाहा वो बन गया। हाँ बन तो गया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुझे अरेस्ट करूंगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, वो तो खुद ही कूद के मर गया। प्लीज यार मुझ पर यकीन करो।
चाहो तो पैसे ले जा सकते हो। हाँ। बस बस, तेरे हाथों जो मारा गया वो कोई महात्मा गांधी नहीं था, और उसकी मौत के लिए मैं तुझे अरेस्ट करूं इतना मैं पागल भी नहीं हूं। अगर वो पैसे तू अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता तो शायद मैं तुझे अरेस्ट कर लेता, लेकिन तूने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया है। जिनका पैसा गया है वो उन पैसों के बारे में दो चार दिन सोचेंगे। अगर ये पैसा तेरे पास रहेगा तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। कॉफी बहुत अच्छी थी, इसी तरह मेंटेन करना। मैंने ही बनाई थी। बाय। कभी अपनी फैमिली को भी लेकर आना। क्या पर्सनालिटी बनाया, जरा मसल्स देख। उसके साथ मैं घूमता तो पुलिस तो बन जाता, और तेरे साथ घूमकर चोर बन गया हूँ। जरा अपने ससुर को देख, जब से आया है गटागट कॉफी पिया जा रहा है। हाथ में बिल पकड़ा दे, समझेगा उसका दामाद बिजनेस माइंडेड है। उनके सामने बिल रखा तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ओ, शादी के बाद ब्याज के साथ ले लेंगे। वो साथ मेरे कब होंगे मिस्टर सेवन?